सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम बात करेंगे बिग बॉस, बिग बॉस एंड बिग बॉस। जैसे कि आप जानते ही हो कि बिग बॉस में बहुत ही खतरनाक झगड़े हो रहे हैं, और एक तरफ जो है पूजा भट्ट की अलग ही पहचान चल रही है। पूजा भट्ट जी सोच रही है कि उनकी जो पुरानी पहचान होगी वो आज भी चलेगी। पूजा भट्ट जी इस इंतजार में है कि उनको ट्रॉफी मिलेगी, लेकिन पूजा भट्ट जी शायद ये बात भूल रही है कि पुराना खोटा सिक्का इस ज़माने में चलने वाला नहीं है। शायद यही बात पब्लिक के भी नज़र में खटक रही है, जो पूजा जी को आने ही नहीं देगी आगे। और फिलहाल में जो है अभिषेक और एलवीसी चल रहा है फॉर्म में। जैसे कि आप इस क्लिप में देख सकते हो कैसे पूजा भट्ट जी जो है इस गेम को खेल रहे हैं, और इस गेम में जो पूजा भट्ट है वही चीटिंग कर रहे हैं, उनकी ही टीम चीटिंग कर रही है। लेकिन वो ये जताना चाह रहे हैं कि उनकी टीम जो है वो चीटिंग नहीं कर रही है, सामने वाली टीम यानी कि अभिषेक और एल्विस की टीम चीटिंग कर रही है, और वो एक दूसरे को धक्का दे देते हैं। और आप जरा इस क्लिप में देखो ऐसे धक्का धक्का मुक्की चल रही है। बोला है प्रोटेक्ट, सॉरी मैंने वही पहले एल्विस ने बोला है, एल्विस ने भी बोला है बी केयरफुल। इट्स ओके यार एल्विस। ओह लग जाएगी यार, मैं हम संभाल लूं। अविनाश शिट यार, शिट जब से देख रहा हूँ जैसे कि आपने इस क्लिप में देख ही लिया है कि जो पूजा भट्ट की जो टीम है वो सरासर चीटिंग कर रही है, और यहाँ तक कि जो वेविका है वो भी मनीषा को धक्का मारते हुए दिखाई दी। तुम्हारा बचाना काम नहीं था, यू गो अवे ना, तुम नहीं कर सकती हो यार। यार तुम क्यों कर रही हो यार, बेबी का कर रही हूं, मैं खड़ी हूं, ये बचाना काम नहीं है तेरा, ऐसा बचाना नहीं है, निकालना तू। और जो उनका जो बास्केट है उसको प्रोटेक्ट खाली वही करेंगी पूजा भट्ट, और पूजा भट्ट के अलावा कोई इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन वो जो है बहुत ही मतलब अलग तरीके से गेम खेल रहे हैं, बहुत ही चीटिंग कर रहे हैं। उसके बाद में जैसे ही अभिषेक की टीम जीत जाती है वैसे ही पूजा भट्ट जो है उम्र पे आ जाती है कि मेरी उम्र बड़ी है तुम्हारी छोटी है, वही जवानी और बुढ़ापे वाली चीज आती है अंदर। और उसी के साथ अभिषेक की जो टीम है वो जीत जाती है, और अभिषेक को उस मैच का लास्ट कैप्टन बना दिया जाता है, और सबकी जो है वो जलने लग जाती है। और नेक्स्ट डे बिग बॉस कहते हैं कि जिन्होंने मतलब कुछ गलत किया है उनके शो में उनको पनिशमेंट मिलती है। तो टू बोलना है तारीफ ही है, बट वही है कि बीच में तुम खुद अपने आप को मानते हो। सुन बाबू, तू आया पर तू रहा, ये देख बीच नहीं मेरी बात, बीच में कहीं ना कहीं कुछ मेरा हुआ, बट ऐसा नहीं कि अब एंटरटेन तो मत। कैसे बच्चे शर्मा क्या पागल। हाँ यार मुझको जंगे एलविस तो कितना कुत्ता कड़े सारे कपड़े धो लिए मेरे तो जितने थे धुलने वाले। बिग बॉस की तरफ से और अभिषेक की तरफ से मनीषा को शूज पॉलिश करने की पनिशमेंट मिल जाती है, और वेविका को जो है कपड़े धोने की पनिशमेंट मिल जाती है, और अविनाश को जो है लोगों को हंसाने की पनिशमेंट मिल जाती है। लेकिन वो अपने पनिशमेंट को पूरा नहीं करते हैं तो उनका असर उनके खाने पर पड़ता है, उनके राशन पर पड़ता है। तो बिग बॉस जो है उनको खाना बहुत ही कम दे देते हैं। पूजा भट्ट जी जो है वो खाली बिग बॉस के अंदर ही दुनिया को जानती है, बाहरी दुनिया को अभी फिलहाल में नहीं जान पा रही है कि बाहरी दुनिया में हो क्या रहा है। जैसे कि बाहरी दुनिया में ट्रेंडिंग पे जो है वो अभिषेक और एलवीसी चल रहा है, और जो वेविका जो है वेविका और अभिषेक की भी अनबन हो जाती है कि हाँ भाई तू अब बड़ा हो गया है, तेरा मतलब लेवल बढ़ चुका है, तू अभी तो कप्तान हो चुका है ये वो। लेकिन अभिषेक जो है उनको वैसे ही जवाब देते हैं, जरा इस क्लिप में देखो। ट्राई टू अरे मैंने बोला उखाड़ना किसी ने कुछ किस भी तेरे ज्यादा जलन है। मैं पूछ रही हूँ जरा एक्सप्लेन में जब कर पहुंचेगी तब बात करियो, जरा एक्सप्लेन कर। अच्छा देखो घमंड चढ़ गया, घमंड अरे यार इससे तुम मेरे साथ बात करा करो, फिर वही बदतमीजी वाली कुछ बातें ऐसे टोक देती है ना। ये बदतमीजी क्या है यार, तू अभी बोलता है टॉप 5 में आएगी तब बात करनी है क्या, घमंड नहीं तो और क्या है, घमंड है गाइस प्लीज। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसी थी और अगली वीडियो किस टॉपिक पे लाना है ये भी आप हमें बता सकते हो। तो फ्रेंड्स जल्दी से हमें सपोर्ट करें क्योंकि हमें भी बिग बॉस में जाना है। ओके बाय फ्रेंड्स, बारिश आ रही है।